तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है भाई सबके? उम्मीद है कि भाई आप सभी लोग एकदम मस्त और भाई एकदम जबरदस्त होगे। तो भाई इस वक्त मैं हूँ चेन्नई में। तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ भाई एक ऐसा म्यूजियम जिसके अंदर भाई घनी घनी चीजें, मतलब भाई बहुत सारी चीजें जो कि भाई तुमने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। तो फटाफट से चलते हैं भाई उस वाले म्यूजियम की तरफ और भाई वो म्यूजियम जाके एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद जाएंगे भाई हम मरीना बीच, जो कि भाई काफी ज्यादा बड़ा बीच है। इतना बड़ा बीच आपने भाई कभी देखा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। तो लो जी लो, आ चुके हैं भाई म्यूजियम के अंदर। और भाई म्यूजियम के अंदर आती है मैं ना भाई बहुत महंगी टिकट कटानी पड़ी है, जो कि भाई है 15 रुपए की टिकट है यार। और सामने ये देखो भाई डायनासोर, बहुत ही बड़े बड़े होते तो डायनासोर है लेकिन मैं डायनासोर बोलता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं भाई। तो ये जो इस म्यूजियम की भाई पूरी की पूरी थीम है, तो भाई वो कहीं ना कहीं डायनासोर को भी डेडिकेट है। तो इसमें काफी काफी अतरंगी चीजें जो है भाई भरी हुई है। और गाइज इस प्लेस का नाम है गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, जो कि गाइज काफी ज्यादा फेमस है और भाई एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो अब चलते हैं गाइज इसके अंदर। ये देखे भाई सामने से एकदम पूरा महल की तरह बना रखा है और अंदर चल के देखते हैं भाई क्या क्या है। तो गाइज जैसे ही भाई मैं म्यूजियम के अंदर आया ना, इन्होंने भाई बोला कि वीडियो अलाउ नहीं है, तो भाई तुम इधर वीडियो नहीं बना सकते। तो भाई थोड़ी सी दिखा रहा हूँ तुम्हें वीडियो बना के, तो देख लो भाई ये वाला म्यूजियम कुछ ऐसा है। और जहाँ भाई वीडियो अलाउ होगी वहां जाके वीडियो बनाएंगे। तो चलो भाई वहां से तो निकाल दिया और भाई अभी यहाँ की तरफ घुसते हैं, यहाँ देखते हैं भाई क्या सीन है, बनाने देंगे नहीं बनाने देंगे। वैसे भाई मैंने इसकी फोटोज देखी थी गूगल पे, तो भाई खतरनाक सा ही लग रहा था। अंदर से चल के देखते हैं भाई क्या चीज है। ओए होए होए होए, इधर की तरफ भाई मैं घुसा तो भाई यहाँ हमें देखने को मिलता है पूरा का पूरा आर्ट वर्क, जो कि भाई हाथों के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं भाई कितने ज्यादा इधर पुतले पुतलियां बना रखी है। और भाई एक इन्होंने थीम दर्शा रखी है जो कि भाई ओल्ड थीम है, पहले के लोग कैसे हुआ करते थे, तो कुछ उस टाइप के जो है इन्होंने भाई लोग बना रखे इधर। ये देखे भाई ये इधर राजस्थान के लोग हैं और ये भाई इधर साउथ के लोग हैं और भाई ये इधर जो है पंजाब के लोग हैं। भाई वाह मजा आ गया देख के। और ये देखे भाई यहाँ की तरफ ओए होए होए, ब्याह में सजे बैठे हैं भाई सारे के सारे, मतलब साउथ इंडियन पोशाक पहन के तैयार बैठे भाई सारे के सारे, जो गरीब बारात में चढ़ देंगे। लेकिन इन पुतलों के द्वारा जो है भाई साउथ इंडियन पोशाक जो है उसको दर्शाया गया है कि साउथ इंडियन की जो ड्रेस है वो कैसी होती है। वो भाई साहब ये देखे भाई यहाँ की तरफ 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी जो है भाई यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई है। और ये सारी की सारी मूर्तियाँ जो है भाई तांबे की बनी हुई है, ये सारी की सारी ब्रॉन्ज की बनी हुई है। जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन सभी की यहाँ पर ये मूर्तियां रखी हुई हैं ये, और काफी ज्यादा भाई कमाल की है भाई दिखने में, आप देख सकते हैं। और इन मूर्तियों के साथ साथ भाई अगर आप यहाँ पर देखने आते हो भाई, इनके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन मूर्तियों के बारे में, तो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इनका जो भी बायोडेटा है इनके साथ ही पूरा मेंशन कर रखा है। और नीचे की तरफ भी भाई इतनी ज्यादा मूर्तियां हैं, आप देखिए भाई कितना कमाल का लग रहा है भाई ये वाला सेक्शन। तो इन मूर्तियों को देख के गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई उस समय के लोग भाई कितने ज्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे, जो कि भाई ऐसी ऐसी कमाल की मूर्तियां बनाया करते थे वो भी अपने हाथों से। आज के समय में तो भाई लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके भाई ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाते हैं उनको तराश तराश के। तो गाइस यार गूगल ने मेरे को ना भाई चूना लगा दिया भाई, मैं मैप पे देख के आया था कि भाई उधर फोटो डली हुई थी भाई, ये बड़े बड़े इधर डायनासोर बना रखे हैं, व्हेल मछलियां की हड्डियां हैं, हाथी बना रखे हैं भाई बड़े बड़े, लेकिन इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं भाई इधर तो भाई जो है अपने गांधी जी हैं और भाई चाचा नेहरू बैठे हुए हैं भाई अपने मस्त पोज में। तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो भाई शुरू होते ही ख़त्म हो गया, मेरी एक्सपेक्टेशन के भाई परे है ये तो बिल्कुल ही, इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भाई घूम लिया म्यूजियम और भाई म्यूजियम के बारे में खामखा इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया, इतना भी खास नहीं था यार। अभी चलते हैं भाई बीच की तरफ और चल के भाई बीच दिखाते हैं आपको। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ भाई मरीना बीच, और ये देखे भाई कितनी ज्यादा भीड़ है इधर, लोग भाई कुकर बावड़े हो रहे हैं। तो भाई इधर बीच पे तो पूरी ऐसे मार्केट सी बना रखी है भाई, इधर लोग देखिए जा रहे हैं आ रहे हैं और दुकानें हैं इधर आसपास में बहुत सारी, कुछ भी ले सकते हैं भाई आप, खा पी सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल तो भाई इधर से चलते हैं, और आज संडे है तो भाई वैसे भी इधर भीड़ जो है काफी ज्यादा है। तो गाइस जो भाई समुन्द्र के पास किनारा रहता है ना, मतलब बीच का किनारा रहता है, तो ये वो किनारा ही है। और ये किनारा देख लो भाई कितना बड़ा है भाई, बीच पे जाते जाते ना मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बीच पे नहीं भाई किसी और ही देश में जा रहा हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं यार अभी तक जो है ना भाई ये मार्केट खत्म ही नहीं होगा दिल्ली। तो फाइनली गाइस पहुंच चुका हूँ भाई समुद्र के किनारे, और ये रहा भाई सामने की तरफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो भाई ये जो पूरा का पूरा बीच है ये बंगाल की खाड़ी के किनारे पे स्थित है, और आप देख सकते हैं भाई इंसानी दरिंदों की इधर कितनी ज्यादा भीड़ है भाई, लाखों की तादाद में आए हुए हैं भाई आज तो इधर लोग।
आप देख सकते हैं भाई 4-5 किलोमीटर दूर तक तो भाई भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है मेरे को। और गाइस ये जो बीच है ये भाई सिर्फ चेन्नई का ही नहीं भारत का भाई सबसे बड़ा और सबसे फेमस बीच है, और भाई ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीच है। मतलब इतना बड़ा बीच है आप देख सकते हैं भाई, इस बीच का जो डिस्टेंस है ना भाई वो 12 किलोमीटर तक लंबा है, मतलब इतना बड़ा बीच है भाई ये। और वहां देखिए गाइस सामने की तरफ आप देख सकते हैं भाई लोग भाई कैसे जो है बावड़े हुए पड़े हैं, देखिए भाई कितनी ज्यादा भीड़ है इधर भाई। और ये देखे भाई लहरों का फुल मजा लेते हुए लोग इसमें नहा रहे हैं, कूद रहे हैं और मस्तियां कर रहे हैं भाई अपने। भाई देख रहे हो मतलब बीच का कितना खतरनाक माहौल है भाई, इतना खतरनाक माहौल नहीं देखा भाई कभी, इतने ज्यादा लोग और भाई इतने ज्यादा लोगों की भीड़ मैं पहली बार ही देख रहा हूँ भाई। और ये देखे गाइस भाई यहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पर इन पुजारी जी ने जो है भाई पूरा शिवलिंग बनाया है इस रेत से, और भाई एक मंदिर बना रखा है जो कि भाई दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। तो भाई लोग इसके ऊपर देख सकते हैं आप चढ़ाव भी चढ़ा रखा पैसों का। पंडित जी आपने बनाया ये, आपने बनाया? अरे वाह सर आपने बनाया शिवलिंग। अच्छा डू यू नो हिंदी? तमिल इंग्लिश हिंदी बोलूं? अच्छा ये इन्होंने बनाया है? अच्छा हाथों से बनाया? अच्छा आपके सगे भैया हैं, आपको हिंदी आती है अच्छे से लेकिन इनको नहीं आती? ओके वो गाइस आप देख सकते हैं भाई काफी ज्यादा जो है कमाल का आर्ट है भाई, अमेजिंग भाई अमेजिंग, क्या ही खूबसूरत नजारा है। और भाई लोग देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं भाई अपनी फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खूब मजे में भाई इधर लहरों का फुल आनंद लेते हुए। तो गाइज इस वाले बीच पे ना भाई खाने पीने का भी भाई फुल बंदोबस्त आप देख सकते हैं, ऐसे लाइन से ना भाई खूब सारे इधर स्टॉल्स लगा रखे हैं खाने पीने के छोटे छोटे, जिनको भाई आप इधर आते हैं तो भाई कुछ खा पी सकते हैं। चारों तरफ आपको भाई खाने पीने की भी इधर कोई कमी नहीं होने वाली। तो गाइज वैसे तो भाई यहाँ पर जितने भी खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए ना तो भाई उन पर ज्यादा से ज्यादा सी फूड मिलता है, मतलब अगर आप वेजिटेरियन है ना भाई आपके लिए थोड़ा सा खाना सा मुश्किल हो जाएगा। तो भाई मैं खा रहा हूँ अभी भुट्टा, तो भाई भुट्टा खाते खाते इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और भाई मजे लेते हैं इस जगह के, पूरे आनंद लेते हैं। मस्त है भाई ये जो भुट्टा है ना भाई, मीठा मीठा सा मतलब स्वीट कॉर्न है, पर यार मेरे दांतों में फंस रहा है। चलते भाई आगे की तरफ चल के देखते क्या है। इधर की तरफ देखिए गाइस क्या लहरें उठ रही हैं, हाय 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 ये आई भाई लहरें, लोग भी अपना जो है भाई फुल मजे ले रहे हैं इधर की तरफ। तो इधर ही भाई थोड़ी देर रुकते और थोड़ा सा देखते हैं इधर का माहौल क्या है। तो गाइस भाई जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा ना तो भाई वैसे वैसे जो है लोगों की भीड़ कम होती जा रही है। ये देखिए भाई इधर की तरफ तो भाई थोड़ा थोड़ा खाली सा हो गया, और आगे की तरफ तो है अभी भी बहुत ज्यादा भीड़, जो मैक्सिमम जो भीड़ थी वो तो जा चुकी है, अभी कुछ ही लोग बचे हुए हैं। तो भाई इन लोगों को देख के मेरा ही मन कर रहा है भाई मैं अभी समुंदर के अंदर जो है कूद ही मार दूं, लेकिन यार मार नहीं सकता क्योंकि भाई कपड़े वपड़े गीले हो जाएंगे और मेरा होटल इधर से बहुत ज्यादा दूर है, तो भाई मैं कपड़े वपड़े भी नहीं साथ में लेके आया, लेकिन मन बहुत कर रहा है इसमें कूदने का। और ऊपर से भाई जूते वूते पहन के आया हूँ, चप्पलें पहन के आया होता तो भाई इसमें घुस जाता मैं थोड़ा अंदर तक, पैंट वेंट मोड़ के अपनी। तो गाइज ये था चेन्नई का मरीना बीच जो कि भाई हमने पूरा घूम लिया और भाई पूरा एक्सप्लोर कर लिया। तो भाई यही थी आज की वीडियो, अब मिलते हैं भाई अगली बार एक और नई मजेदार सी वीडियो लेके। तो भाई तब तक के लिए जय श्री राम।